विश्व आदिवासी दिवस कोरोना महामारी के चलते सरकार के नियम अनुसार धार जिले के मांडो के चतुर्भुज श्री राम जी की पावन नगरी में टंटिया मामा प्रांगण में मनाया गया। रविवार के दिन लॉकडाउन के चलते कम मात्रा में कार्यकर्ता रहे, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मुंह पर मास्क लगाकर, जिसमें समाज के जननायक टंटिया मामा और बिरसा मुंडा, शबरी माता, भारत माता की फोटो पर माल्यार्पण करने के बाद पौधारोपण किया गया। हमारे समाज के वरिष्ठजनों सीताराम जी भाबर, जो 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के कारण कार सेवक के रूप में योगदान रहा, उन्हें समाज के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन खपा दिया, ऐसे वरिष्ठ जनों का भगवा गमछा एवं श्रीफल देकर आदिवासी समाज के युवाओं द्वारा स्वागत किया गया। नालचा से विनीत यादव की रिपोर्ट। दिवस प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में भीड़ रहती है और मतलब आदिवासी दिवस मनाते हैं, इस बार मतलब देखने को मिला कि कम संख्या थी, क्या वजह? आज पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते हुए सरकार की गाइडलाइन अनुसार हमने मात्र समाज के 20 युवाओं के बुलाकर विश्व आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है और टंटिया मामा को माल्यार्पण करके हमारे समाज के वरिष्ठ जन, जिसने समाज के लिए पूरी जिंदगी का पाठ दिए और धर्म के लिए, वैसे हमारे वरिष्ठ जनों का हमने स्वागत भगवा गमछा और श्रीफल देके उनका स्वागत किया गया है और अपने समाज के में जागरूक होने के लिए हमारे युवाओं को संदेश दिया गया है कि अपने समाज में बहुत सारी भूखमरी, शिक्षा संबंध में जागरूक होने के लिए और समाज के लिए लड़ने के लिए और राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए हमने संदेश दिया गया है। आपका नाम? दिलीप मोहरे, हिंदू युवा जनजाति संगठन जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।